फेमस पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ जिस टाइम पर अपने कॉन्सर्ट को लेकर काफी खबरों में बने हुए हैं। हाल ही में दिलजीत दोसांझ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ के दिल्ली वाले लाइव कॉन्सर्ट के लिए जो इस टाइम पर तैयारियां चल रही हैं, उसी के बाद उनके फैन ने इसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जी हां, दिलजीत दोसांझ के दिल्ली वाले लाइव कॉन्सर्ट के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वो दिल लुमिनाटी टूर के तहत देश के 10 शहरों में लाइव कॉन्सर्ट करेंगे। दिल्ली वाले लाइव कॉन्सर्ट के लिए 12 सितंबर को टिकटों की बिक्री हुई थी, लेकिन उनकी फैन ने इसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दिलजीत दोसांझ को सुनने के लिए फैंस कितना एक्साइटेड रहते हैं ये बात आप सब जानते हैं। एक तरफ उनके गाने देखते ही देखते सुपरहिट हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ उनके लाइव कॉन्सर्ट के टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब वो दिल लुमिनाटी टूर के तहत भारत के 10 शहरों में शोज करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही उन्हें तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली में रहने वाली उनकी एक फीमेल फैन ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। मामला कॉन्सर्ट की टिकट से जुड़ा है, धोखाधड़ी और हेरफेर का आरोप लगाया है, और इसके साथ ही फैन ने ये कहा है कि दिलजीत दोसांझ इतने बड़े सिंगर हैं, तो आखिर उनकी टिकटों में ये धोखाधड़ी क्यों हो रही है। दिलजीत दोसांझ जो हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, इंदौर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ और दिल्ली में ये जो कॉन्सर्ट है ये करने वाले हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26 अक्टूबर को लाइव कॉन्सर्ट होगा, जिसके टिकट्स के लिए मारामारी मची हुई है। सिंगर की दिल्ली में रहने वाली फैन रिद्धिमा कपूर टिकट नहीं खरीद पाई, जिसके बाद उन्होंने सभी को लीगल नोटिस भेज दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो रिद्धिमा कपूर ने अपने लीगल नोटिस में कहा है कि 12 सितंबर को टिकट बुक करने का टाइम 1 बजे अनाउंस किया गया, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने 1 मिनट पहले यानी कि 12:59 पर ही टिकट विंडो खोल दी, जिससे सैकड़ों फैंस ने 1 मिनट में कई टिकट बुक करा लिए। रिद्धिमा कपूर 1 बजे का इंतजार कर रही थी, इसलिए वो टिकट पाने से चूक गई, उनके अकाउंट से पैसा भी कट गया। फिर वो वापस आ गया और उन्हें पता चला कि टिकट बुक नहीं हो पाई, क्योंकि सारे 1 मिनट में ही टिकट पहले ही बुक गए। रिद्धिमा कपूर इस लाइव कॉन्सर्ट के लिए बहुत एक्साइटेड थी। टिकट बुक कराने के लिए उन्होंने अर्ली बर्ड पास के लिए क्रेडिट कार्ड तक बनवाया। उन्होंने शो के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ टिकटों की कीमतों की हेराफेरी और कस्टमर राइट्स का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि ये टिकटों की कालाबाजारी है। अचानक सारे टिकट्स खत्म हो गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि बहुत बड़ी धांधली चल रही है। टिकटों के दाम बढ़ाकर बेचने के इरादे से जो है ये गलत ट्रेड प्रैक्टिस है। दिलजीत के अलावा जोमैटो, HDFC बैंक और सारेगामा प्राइवेट लिमिटेड को भी लीगल नोटिस भेजा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो दिलजीत के दिल्ली कॉन्सर्ट के टिकट की कीमत 2 कैटेगरी में थी। एक कीमत थी 19,999 और दूसरी थी 12,999। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की बात करें तो इस धोखाधड़ी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी एक वीडियो शेयर किया था। दिल्ली पुलिस ने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की टिकट बिक्री में धोखाधड़ी के खिलाफ एक क्रिएटिव चेतावनी दी, जिसमें सिंगर के फेमस ट्रैक बॉर्न टू साइन पर बेस्ड एक कॉन्सर्ट का वीडियो शेयर किया गया। इस गाने के बोल का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस ने कैप्शन में लिखा, गाना सुनने के चक्कर में टिकट के लिए गलत लिंक पर पूरे पैसे देकर अपना बैंड न बजवा लेना, लिंक वेरीफाई करना। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।